तो फ्रेंड्स चलिए आज आपको दिखाते हैं कि पीला कैसे मारा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपका हॉट पच हो गया है। तो अगला वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि हॉट पच कैसे मारा जाता है, कितना करंट रखना पड़ेगा। तो इसमें आज जो हम आपको दिखाएंगे पीला कैसे मारा जा रहा है, कितना करंट रखना पड़ेगा, रॉड का पोजिशन आपका क्या रहेगा, ठीक है, और इसके मल्टी राउंड में फाइनल कैसे मारा जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आइए यहाँ से दिखा देते हैं। तो सबसे देखिए सबसे पहला रॉड उस दिन भी आप दिखाए थे, रॉड को ना ये होल्डर हो गया, ये रॉड हो गया, इसको ना थोड़ा ऐसे लगाना आपको, ऐसे ऐसे डिग्री में, ठीक है, और प्रॉपरली यहाँ जहाँ मसाला नहीं है वहाँ वही में लगाना, तभी एक चांस में रॉड जलेगा, ठीक है। ऐसे लगा दिए, इसके बाद ना इस टाइप का होगा, इस टाइप का डिग्री में। चाहे तो आप ऐसा अगर सीधा करेंगे तो सीधा में अच्छा नहीं होगा, वो आपका सिलक नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिग्री में करना है, ऐसे थोड़ा सा डिग्री में करिएगा, तब क्या करेगा आपका सिलक इधर गिरेगा, हाथ में नहीं, हाथ बच जाएगा। देख सकते हैं ये जो रॉड हमारे यहाँ खत्म हो गया है। दूसरा भी जो रॉड है वो भी ठीक थोड़ा सा अलग है, मतलब वो वाला रॉड थोड़ा सा इस टाइप का था, अभी थोड़ा सा डिग्री कम हो गया इसका, ठीक है। देखिए अभी आपको फिलअप जो करना है, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब आप फिलअप करेंगे ना इसको लेवल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आइए भाई, थोड़ा सा दिखाइए, देखिए एक रॉड यहाँ पर जल गया है। तो पहला जो रॉड है यहाँ खत्म हो गया, देखिए अपना जो सिलक यहाँ छूट गया, मतलब देख रहे हैं। तो ये अच्छा एकदम फिनिशिंग भी आ जाएगा आपका, लेवल से थोड़ा सा कम है, ये लाइनिंग दिख रहा है, मतलब लेवल से 1 mm कम रखिएगा ताकि यहाँ ग्राइंडिंग होगा। इसके बाद आपको फिलअप फाइनल भी मारना है, ठीक है। तो दूसरा रॉड देखिए कैसे चला, ठीक है, ऐसे देखिए ऊपर जैसे चला तो यहाँ आएंगे, दूसरा रॉड खत्म हो गया। अभी ये तीसरा रॉड लगा है, तीसरा रॉड भी वैसे थोड़ा सा अलग लगा, देखिए ये होल्डर का जो पोजीशन इस टाइप का आएगा, ठीक है। फिर ऐसे हम जलाते हुए यहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे मारते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे मारते जाएंगे, ऐसे ऐसे मारते जाएंगे, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा अच्छा से, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इस टाइप का मार रहे हैं। आप चाहते ऐसे भी मार सकते, लेकिन इससे थोड़ा रॉड चिपक जाता है, तो हम थोड़ा सा इस टाइप का मारना ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये रॉड जो है यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक ये रॉड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ना रॉड का थोड़ा पोजीशन बदल जाएगा, ये रॉड को ना आपको इस टाइप का लगाना है। उसके बाद यहाँ जैसे हो जाएगा थोड़ा सा पोजीशन लेकर के ऐसे मारते हुए ना, ऐसे 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 आपको मारते हुए आराम आराम से, ठीक है, इसको फिलअप कर देना, ये रॉड तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना रॉड का पोजीशन ऐसे आ जाएगा, देखिए ऐसे, तो इसमें आराम से आप थोड़ा ध्यान देकर के देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ का थोड़ा याद रखिए, अगर आप इस पाइप का आधा मारना सीख गया, मतलब जिधर इधर में भी जैसे पोजीशन है उधर में भी वैसे सेम पोजीशन है, ठीक है, तो आपको इधर में भी जैसे एक ही, देखिए यहाँ से आप सीख जाइए तो उधर भी सीख जाएंगे, एक ही पोजीशन है। मतलब ज़्यादातर जो आपका रिफाइनरी हो गया, स्टील प्लांट हो गया, ज़्यादातर 5G का ही जॉइंट आता है, ठीक है। तो देखिए ये रॉड यहाँ तक चल जाएगा, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ चल जाएगा, तो ये रॉड को ना इस टाइप से चलना है, ठीक है। तो देखिए आप इधर कैसे मार रहे, ऐसे ही देखना, ठीक है, ब्लैक ब्लैक नहीं लेकिन है, हेलो बनाओ, हाँ वेलकम, हाँ फ्रेंड। मेरा 3-4 गो रॉड जो खत्म हो गया, उसके बाद देखिए अभी पोजीशन थोड़ा सा हम चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, पोजीशन यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं, अभी इस टाइप का रॉड चलेगा, ठीक है। देखिए पहले का पोजीशन था ऐसे ऐसे, अभी का जो पोजीशन हो गया ये हो गया ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का आ गया, यहाँ से हमको अच्छा हो जाएगा। पोजीशन के बारे में अगर आपको जानकारी हो गया तो बहुत जल्दी वेल्डर बन जाएंगे, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा आराम से देखिए, ध्यान दे करके स्किप करके या काट के वीडियो का मत देखिए, ठीक है।
टॉप का पोजीशन आ गया है, तो टॉप का पोजीशन में इस टाइप का रॉड चलेगा, ठीक है। अभी देखिए ये अभी ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, इसको मारते मारते ऐसे जाना है, हाथ भी थोड़ा थोड़ा उठेगा, एक चीज का ध्यान दे, हाथ को भी इधर में ना उठाना है, ऐसे मारते जाना, हाथ को भी उठाना है, और दोनों भी का साइड में आपको रोकना है, दोनों साइड में, ठीक है। बहुत सारा आदमी गलती क्या करता है, ऐसे ऐसे मारते मारते चला जाएगा, बीच में ऊंचा आ जाता है, ठीक है, बीच में हाइट हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं होगा। तो दोनों साइड में भी का भी जो होता है ना, इधर आइए मेरा थोड़ा सा, थोड़ा जो होता है ना भी में, इस साइड का भी और उस साइड का भी में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको ये करते जाना है, ठीक है। देखिए हम दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे ऐसे मारना है, ऐसे 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 मारते जाना है, ऐसे ज्यादा स्पीड नहीं मारना है, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से फिलअप करते हुए जाना है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, 7018 का जो रॉड होता है, बहुत सारा आदमी गलती क्या करता है इसमें, तो देखिए रॉड को जो लेते हैं ना, तो जोर जोर से मारते रहता है, जोर जोर से मारते रहते हैं, तो आपको इस टाइप का मारना नहीं है। ये जो रॉड होता है देखिए, थोड़ा सा आपका हल्का सा ऐसे टान लीजिएगा तो रॉड जल जाता है, आपको जोर जोर से ऐसे मारेंगे तो ज़्यादा रॉड चिपक जाता है, ठीक है। तो आपको धीरे से रॉड को ऐसे टान के जलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है, तो कितना अच्छा यहाँ पर वेल्डिंग हुआ है, थोड़ा सा देखिए भैया, अगर करंट आपका प्रॉपरली होगा तो रोड देखिए, रोड जो होगा ना अच्छा से सिलक जो है आपका छूट जाएगा, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए देखिए कितना अच्छा हुआ, यह पूरा शरीर जो है आराम से ये छूट जाएगा, इसके लाइनिंग भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे फिलअप करना है, मतलब थोड़ा सा कम है, देखिए 1 mm लगभग कम है, डाउन है, तो ऐसे रखना है, और यहाँ से देख सकते हैं देखिए 1.5 mm डाउन है, यहाँ से अभी ग्राइंडिंग करके लाइनिंग करके इसके बाद फिर फिलअप फाइनल किया जाएगा। और यहाँ का जो रॉड का पोजीशन है, अभी देखिए थोड़ा सा बाकी है, तो टॉप में इस टाइप का रॉड को जलाना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है, रॉड का डिग्री ऐसे रहेगा, यार सिलक को आगे नहीं जाने देना, ठीक है। बस थोड़ा सा करंट बढ़ाइएगा, हाँ सर, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलअप जो है एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, जो देखिए फिलअप कंप्लीट हो गया, तो इसका जो 8 mm थिकनेस था, 8 mm पाइप का थिकनेस था, तो इसने ये जो आपका है वीवेल है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें हम 2 राउंड में फाइनल मारेंगे। तो एक साइड का हम इसको 2 राउंड में मारेंगे, अगर आप तीसरा राउंड में मारते हैं, 3 लाइन में अगर फाइनल मारते हैं, कैपिंग मारते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा मत करिए। तो हम इसमें अभी एक लेयर यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है, तो हम इसका आधा से थोड़ा ज़्यादा लिया है, अभी दूसरा लेयर मारने जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स जो है अभी देखिए एक लेयर हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ साइड में हमारा थोड़ा बाकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसका ऊपर हमको इसका आधा में चढ़ाना है, और इधर में थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे इस साइड में, ठीक है, इस साइड में थोड़ा सा हम ज़्यादा रुकेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप मारेंगे, थोड़ा ये इसमें टच करेंगे, बीच में टच करके फिर इधर ज़्यादा रुकेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे मारेंगे, ऐसे 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 मारते जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी एक लेयर पहले कंप्लीट हो गया है, अभी इसमें हम दोबारा मार रहे हैं, मतलब इसमें मल्टी राउंड 2 लेयर में हम इसको मार रहे हैं। अगर ये पाइप अगर थोड़ा बड़ा रहता, अगर ये 12 mm 16 mm का पाइप रहता, तो इसमें हम 3 लेयर मारते, क्योंकि इसका जो ग्रुप है थोड़ा कम है, इसलिए हम इसको 3.15 का रॉड है, आपका ग्रीक वन का रॉड है, देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करें, 2 लेयर में इसको फाइनल मार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कैसे मार रहा है, तो यहाँ देखिए पहले एक लेयर छोड़ दो भैया, यहाँ ये दिखाइए, पहले एक लेयर हमारा यहाँ खत्म होता है, यहाँ भी दूसरा लेयर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो देखिए दूसरा लेयर हम कैसे मारे, यहाँ तो अगर थोड़ा छुड़ाएंगे इसको, तो अगर दूसरा लेयर यहाँ पर अगर छुड़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा हो रहा है, जैसे कि एकदम आर्गन जैसे वेल्डिंग हो रहा है, देख रहा है कितना अच्छा फिनिशिंग आया यहाँ पर, तो बहुत अच्छा एकदम स्मूथ वेल्डिंग आएगा आपका भी। थोड़ा सा और अच्छा होता अगर रॉड थोड़ा अगर मालती थ्राम हो गया या फिर सुपर थ्राम अगर रॉड होता तो और बढ़िया फिनिशिंग आता, लेकिन रॉड थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी एक लेयर हो रहा है, तो उसका जो है दूसरा लेयर हम कैसे चढ़ा रहे हैं, थोड़ा देखिए ध्यान देने वाला बात है ये चीज़, अगर आप समझ जाइए, ये अगर अच्छा से आप समझ जाएंगे तो कभी भी कितना भी बड़ा थिकनेस का जॉइंट आप मार देंगे, मतलब मल्टी राउंड का जब मारने का बारी आएगा तो आप मार देंगे फाइनल, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेयर ये कंप्लीट हो गया, अभी देखिए कैसे हम इसको मार रहे हैं,
तो रॉड को बिल्कुल ऐसे लगाना है डिग्री में, और ऐसे मारते हुए ना इसको आधा में लेना है, आधा में देखिए यहाँ देखिए बेहतर दिखा है। यहाँ पर मैंने इसको आधा में चढ़ाया और इधर से थोड़ा सा लिया है, ठीक है, साइड में देखिए कैसे मार रहा है। तो फ्रेंड देखिए आप यहाँ पर हमारा दोनों लेयर अभी कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा हो गया, ठीक है। आपको एकदम सीधा मारना है, टेढ़ा मारना नहीं मारना तो अच्छा नहीं दिखेगा। चलिए आपको छुड़ा कर दिखाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा देखिए इस साइड का अभी फाइनल कंप्लीट हो गया, अभी उधर हमको फाइनल मारना है, तो उधर आपको मार के नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो भी पोजीशन इधर है उधर में सेम पोजीशन है, आपको भी यही सेम पोजीशन फॉलो करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए, अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।